हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइज की टाइमलाइन समझाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी मूवी कहाँ आती है। इस फ्रेंचाइज में अब तक 7 मूवीज आ चुकी हैं और पूरी फ्रेंचाइज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, आप चेक कर सकते हो। ये फ्रेंचाइज इंडिया में काफ़ी फेमस है, लेकिन इसे समझ पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सभी मूवीज़ के टाइटल न्यूमेरिकल ऑर्डर में हैं, जैसे कि रॉन्ग टर्न 2, 3, 4, 5, 6, जबकि उनकी स्टोरी ऑर्डर में नहीं है, इसलिए लोग कन्फ्यूज होते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं होगा और साथ ही मैं इन सब मूवीज़ को रैंक भी करूंगा ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो जाए कि कौन सी मूवी देखने लायक है और कौन सी नहीं। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2003 में आई थी रॉन्ग टर्न, जो कि पूरी फ्रेंचाइज में सबसे अलग तरह की मूवी है। ये इंस्पायर्ड थी द टेक्सास चेंसो मैसेकर और द हिल्स हैव आइज़ से। नाम सुनकर लगता है कि इसमें काफी गोर होगा, जिसके लिए फ्रेंचाइज फेमस है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये मूवी गोर के बजाय एटमॉस्फेयर पर फोकस करती है और कैनिबल्स पर भी कोई ज्यादा गौर नहीं करती। इसमें म्यूटेंट्स ठीक से दिखाई भी नहीं गए क्योंकि कुछ खास जरूरत थी नहीं, मूवी की फील ही बहुत है। इसी वजह से मूवी सबको पसंद आई और इसने डबल से भी ज्यादा कमाई की। कुछ ही टाइम में इसकी एक फॉलोइंग बन गई, इसलिए फाइनली 4 साल बाद 2007 में इसका सीक्वल रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड, जिसमें म्यूटेंट्स की कहानी को और आगे बढ़ाया गया और इस बार हम और भी बड़ी कैनिबल फैमिली देख पाए। साथ इसका प्लॉट और भी ज्यादा क्रिएटिव था। इसे काफी पसंद किया गया और इस फ्रेंचाइज की बेस्ट रिव्यूड मूवी है और ज्यादातर फैंस की फेवरेट भी। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन रॉन्ग टर्न नाम लेने पर लोगों को यही मूवी याद आती है, जबकि असल में रॉन्ग टर्न 2 है। और इस मूवी में भर भर के गोर था, यानी कि मार कट और ढेर सारी घिनौनी चीजें, साथ में न्यूडिटी, जो कि इसके बाद इस फ्रेंचाइज की पहचान बन गई, बिल्कुल सॉ फ्रेंचाइज की तरह। सॉ भी एकदम साफ सुथरी मूवी थी, लेकिन आगे के सीक्वल्स बड़े होते गए और उनमें किस हद तक गोर है वो आप जानते हो। खैर, ये मूवी फ्रेंचाइज का फेस है, इसी ने और ज्यादा बड़ी ऑडियंस को खींचा, जबकि ये थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी। ये और इसके बाद के सभी पास डीवीडी पर आए थे, इसलिए हम सब भी इन्हें डीवीडी पर देख पाए थे। अब ये मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, इसलिए नेक्स्ट पार्ट पर भी काम शुरू हो गया और 2 साल बाद 2009 में इसका सीक्वल रॉन्ग टर्न 3 लेफ्ट फॉर डेड, जो कि 3 फिंगर की कहानी को और आगे बढ़ाता है और इसका प्लॉट भी काफी क्रिएटिव था। इसमें कई सारे वाव मोमेंट्स भी थे। इस मूवी को भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था क्योंकि रॉन्ग टर्न 2 के बाद इस फ्रेंचाइज के फॉलोअर बढ़ गए थे, लेकिन इसके साथ स्टोरी को एंड कर दिया गया था। आई मीन प्लान तो यही था, लेकिन राइटर्स और डायरेक्टर्स की कमी नहीं है और जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो तो कोई भी स्टूडियो फ्रेंचाइज बंद नहीं करता। 2 साल बाद 2011 में आया इसका 4th पार्ट रॉन्ग टर्न 4 ब्लडी बिगनिंग्स, लेकिन असल में ये कोई सीक्वल नहीं था, यह प्रीक्वल, यानी कि ये रॉन्ग टर्न के इवेंट से पहले बेस्ड है। ये में तीनों म्यूटेंट की बैक स्टोरी दिखाती है, जिससे हम उन्हें और अच्छे से जान पाते हैं। इस मूवी के साथ इस फ्रेंचाइज की क्वालिटी और ज्यादा बढ़ गई थी, पोस्टर से आप अंदाजा लगा सकते हो। म्यूटेंट्स को छुपाने के बजाय अब अच्छे से दिखाया जा रहा था, जो कि फैंस चाहते थे, और गोर भी बहुत ज्यादा था, जो कि इन्हें रखना ही पड़ रहा था क्योंकि फ्रेंचाइज उसी वजह से चल रही थी। म्यूटेंट्स को भी काफी पसंद किया जा रहा था, इसलिए उनकी बैक स्टोरी को दिखाया गया, लेकिन टाइटल में दिए 4 से फैंस काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किल्स और गोर तो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस कन्फ्यूजन को एंड करने के बजाय इसे और बढ़ाते हुए 1 साल बाद ही 2012 में आई रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन्स। ये रॉन्ग टर्न 4 का सीक्वल है और रॉन्ग टर्न का प्रीक्वल, यानी कि रॉन्ग टर्न 4 की कहानी को आगे बढ़ाती है और रॉन्ग टर्न के इवेंट्स इसके बाद हुए थे, और ये बात समझना काफी मुश्किल हो जाता है इनके टाइटल्स की वजह से, जबकि सब टाइटल्स एकदम परफेक्ट हैं। इसमें हमें एक न्यू एंगल दिखाया गया, जो कि और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन प्लॉट इसका भी काफी क्रिएटिव है। स्लैशर फैंस जो भी कुछ देखना चाहते थे, ये फ्रेंचाइज उन्हें वो दिखा रही थी, इसलिए चलती जा रही थी। लेकिन किल्स और गोर के अलावा इस मूवी में कुछ भी खास नहीं था, और अब इन मूवीज का कोई एटमॉस्फेयर रहा ही नहीं था। ये बस म्यूटेंट्स के साथ ही चिपकी पड़ी थी, जिस वजह से बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एक सीरियस टोन से शुरू होकर ये फ्रेंचाइज अब कॉमेडी पर आ चुकी थी, जो कि कई फैंस को पसंद नहीं आ रहा था। फिर 2 साल बाद 2014 में आई रॉन्ग टर्न 6 लास्ट रिसॉर्ट, जो कि मेकर्स को भी नहीं पता कि क्या है। देखने से लगता है कि एक प्रीक्वल है क्योंकि इसमें और ज्यादा बैक स्टोरी बताई गई है, लेकिन प्रीक्वल के हिसाब से फिर नहीं बैठती। बाद में कह दिया गया कि एक रिबूट है, जो कि ये नहीं है क्योंकि म्यूटेंट्स वही सेम है और इस मूवी में इतनी सारी मिस्टेक्स हैं कि पूछो मत। ये किसी भी तरह से इस टाइमलाइन में फिट नहीं बैठती, बल्कि बाकी मूवीज की स्टोरी को भी बिगाड़ देती है, इसलिए मैं इसे एक स्टैंड अलोन फिल्म की तरह देखता हूँ। मैं इसे किसी भी मूवी से लिंक नहीं करता क्योंकि यही बेस्ट है। इसी तरह आप इस मूवी को ठीक से देख पाओगे, एंजॉय तो मैं नहीं कह सकता। इस मूवी ने रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइज की कब्र पर फूल चढ़ा दिया था, म्यूटेंट्स का ऑब्सेशन इस फ्रेंचाइज को ले डूबा, लेकिन फैंस तो डिमांड कर रहे थे। तब 2018 में अनाउंस हुआ कि इस फ्रेंचाइज को रिबूट किया जाएगा और राइटर है एलन बी मैकेलरॉय, जिन्होंने पहली रॉन्ग टर्न लिखी थी। 2021 में जाकर ये रिबूट रिलीज हुआ और इसने फैंस को हैरान कर दिया क्योंकि इसमें म्यूटेंट्स है ही नहीं। इससे कई फैंस खुश भी हैं और नाराज भी, लेकिन इसे काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले क्योंकि राइटर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी कई फैंस म्यूटेंट्स की डिमांड कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस रिबूट स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा या फिर दोबारा म्यूटेंट्स को लाया जाएगा। दोनों ही काम स्टूडियो के लिए रिस्की हैं। अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि नेक्स्ट पार्ट बन रहा है, फ्यूचर में अगर कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।
तो यह है इस फ्रेंचाइज की टाइमलाइन, जो कि बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं लग रही। अब अगर आप इन्हें एंजॉय करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले तीन पार्ट्स को आप एक ट्रायलॉजी की तरह देख लो, उनमें एक स्टोरी चलती है। रॉन्गटन 4 और 5 को आप अलग कर दो, इन्हें आप रिबूट्स की तरह देखो क्योंकि एक नया लुक देते हैं। और 6 पार्ट को आप किसी से भी मत जोड़ो, तब जाकर आप बिना कंफ्यूज हुए इस फ्रेंचाइज को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। ये थी पूरी टाइमलाइन। अब आ जाते हैं रैंकिंग पर, जो कि मैं करूंगा अपनी पसंद के हिसाब से, ना कि रेटिंग्स के। तो सबसे नीचे आती है रॉन्गटन 6 लास्ट रिजॉर्ट। ये इस फ्रेंचाइज की सबसे बेकार मूवी है, इसमें कोई शक नहीं। ना तो स्टोरी पर ध्यान दिया गया और ना ही डिटेल्स पर, बस म्यूटेंट्स को दिखाना था, चाहे फ्रेंचाइज बर्बाद क्यों ना हो जाए। अगर ये मूवी ना आती तो शायद फ्रेंचाइज को रिबूट करने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि रॉन्गटन 6 रॉन्गटन 5 के आगे की स्टोरी दिखा सकती थी, जिससे और पार्ट्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। बिना कुछ ज्यादा सोचे इसे बना दिया गया, इसलिए सबसे नीचे होना डिजर्व करती है। 6 नंबर पर आती है रॉन्गटन 2021 वाली। ये बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म है, लेकिन इसे इस फ्रेंचाइज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन चीजों के लिए फ्रेंचाइज फेमस है वो सब इस मूवी में नहीं है। मुझे मूवी बहुत पसंद है क्योंकि इस फ्रेंचाइज के हिसाब से ये काफी स्मार्ट है, लेकिन अगर बात करें इस फ्रेंचाइज की रैंकिंग की तो ये ऊपर तो नहीं जा सकती, क्योंकि बाकी मूवीज को इसके साथ कंपेयर करना बेकार है, ये उन सब के एकदम अपोजिट है। 5वें नंबर पर आती है रॉन्गटन 5। ये भी मुझे बाकियों के मुकाबले कम पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई। खतरनाक आदमखोर म्यूटेंट्स को गुलाम बना दिया गया और अचानक वो काफी ज्यादा कॉमेडी करने लगे, और ये बात हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से इसके बाद रॉन्गटन आएगी, जिसमें वो बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं थ्री फिंगर को छोड़कर, तो शायद सिर्फ साल के इसी टाइम वो कॉमेडी करते होंगे। 4वें नंबर पर आते हैं रॉन्गटन 3। इसमें कई बैड एस कैरेक्टर्स हैं जो कि हम स्लैशर में देखना चाहते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं चलते जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो, और इसमें सिर्फ एक ही म्यूटेंट है थ्री फिंगर, लेकिन वो भी बहुत कुछ कर देता है जो कि देखने लायक है। फिर भी आगे और अच्छी मूवीज हैं, इसलिए यहाँ पर है। 3रे नंबर पर आती है रॉन्गटन 2। कई लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर होगी, लेकिन मुझे इसके कंपैरिजन में बाकी दो मूवीज ज्यादा पसंद हैं। हालांकि इसमें हम काफी कुछ देख पाए, एक बड़ी फैमिली और इतना ही बड़ा थ्रिल और साथ में म्यूटेंट्स का खात्मा भी। इसमें हम और भी बात कुछ जान पाते हैं और ये मूवी भी बेस्ट है। लेकिन नंबर 2 पर आती है रॉन्गटन 4। इस मूवी की क्वालिटी मुझे काफी पसंद है, जो कि बाकी किसी भी पार्ट में देखने को नहीं मिलती। इसमें हम उन तीनों भाइयों का बचपन भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि उन्हें वो नाम कैसे मिले। इसमें कैरेक्टर्स भी ज्यादा हैं, इसलिए किल्स भी ज्यादा हैं और स्नो में स्लैशर देखने का अलग ही मजा है। 1वें नंबर पर आती है ओजी रॉन्गटन। इस पार्ट को कोई भी पार्ट बीट नहीं कर सकता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार से दोबारा देखो, इसकी एक अलग ही फील है जो कि इसके बाद किसी भी पार्ट में नहीं दी गई। जितनी बार भी आप इसे देखोगे उतनी बार ये आपको बांध लेगी, और मैंने तो इतनी बार देखी है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको म्यूटेंट्स या फिर किल्स देखनी है तो आप बाकी मूवीज देखो, लेकिन अगर आपको वो फील चाहिए तो यही मूवी इलाज है। ये थी मेरी रैंकिंग, आप भी अपने हिसाब से रैंक कर सकते हो। मैं देखना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा फेवरेट मूवी कौन सी है, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसे एक लाइक भी कर देना, और साथ ही ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन रॉन्गटन ना ले। ये तो ऑब्वियस ही था। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको रॉन्गटन 8 की अपडेट मिल जाएगी जब भी आएगी, और साथ ही आप बाकी दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।